दोस्तों आप सोचेंगे कि व्लादिमीर पुतिन के महल को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट्स ने हर चीज के बारे में सोचा होगा। आफ्टर ऑल 190,000 स्क्वायर फुट अरबों डॉलर की लागत वाले इस परिसर में जो ब्लैक सी की ओर एक उबड़ खाबड़ चट्टान पर स्थित है, इस महल में हर वह विलासिता है जो एक निरंकुश शासक पॉसिबली चाह सकता है। जैसा कि एलेक्सी नेवलनी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, महल का अपना चर्च, वाइन सिलर और कैसिनो है। इसमें एक हुक्का लॉन्ज है जिसमें एक स्ट्रिपल पोल, एक ऑर्बिटम और हॉकी खेलों के लिए एक आइस रिंक है जिसे पुतिन अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन टेकआउट का ऑर्डर देने के लिए गुड लक सिक्योरिटी टाइट है। पुतिन के शाही घर को 70,000 एकर्स जंगल और एक स्पेशल नो फ्लाई जोन द्वारा उस देश को सील कर दिया गया है जिस पर उनका शासन है। दोस्तों पुतिन की ओर से संविधान या पारानुवाई से कहीं अधिक है। पिछले साल के शुरुआत में रशियन अथॉरिटीज ने दावा किया था कि दो ड्रोन प्लेन्स ने असफल हमले में पुतिन की हत्या करने का प्रयास किया था जो क्रेमलिन के ऊपर एक विस्फोट में हिंड हुआ। लेकिन इन सभी प्राइसली लग्जरीज और महल जैसी सुरक्षा के बावजूद महल के निर्माताओं ने एक क्रूशल डिटेल की उपेक्षा की है। वे महल परिसर के नीचे चल रही दो इलोबरेट टनल्स को दिखाने वाले प्लान्स को छिपाने में फैल रहे हैं। ऐसे प्लान्स जिन्हें सीक्रेट रखने के लिए कोई भी स्टेट सिक्योरिटी अपार्टस एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। इनफैक्ट उन्हें रशियन इंटरनेट पर पब्लिकली पोस्ट किया गया था। मेट्रो स्टाइल जो अब बंद हो चुका रशियन कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने साल 2010 की शुरुआत में अपने काम को शोकेस करने के लिए अपनी वेबसाइट पर डायग्राम पोस्ट किए। वे साल 2016 के अंत तक ऑनलाइन देखे जा सकते थे। दोस्तों पुतिन के महल के नीचे अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में दो सेपरेट टनल्स हैं जो एक लिफ्ट से जुड़ी हुई है जो सरफेस से लगभग 50 फीट नीचे उतरती है। आर्किटेक्चरल प्लान से पता चलता है कि मोटी कंक्रीट से घिरी टनल्स को एक समय में कई दिनों या हफ्तों तक वीआईपी रहने वालों का समर्थन करने के लिए इनफ फ्रेश वाटर, वेंटिलेशन और एक्सटेंसिव केबलों की सप्लाई की जाती है। टनल प्लान्स की रिव्यू करने वाले एक एक्सपर्ट्स ने उस समय जीवित रहने के प्रति पुतिन के जुनून का संकेत देखे जब अन ताकतवर लोग हार रहे थे। दोस्तों लोअर टनल के निकास की ओर जाने वाला एक चलता फिलता रास्ता एग्जिस्ट है। इस टनल सेटअप में सभी प्रकार की सेफ्टी और सिक्योरिटी है। डिफेंसिव स्ट्रक्चर से परिचित एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर थैडियस गेब्रेजेवस्की ने कहा, जिन्होंने इनसाइडर के लिए डायग्राम्स की रिव्यू की, वहाँ आग बुझाने की व्यवस्था है, वहाँ पानी है, वहाँ सीवर है, यह किसी के जीवित रहने या बच निकलने के लिए है। दोस्तों परमाणु संपन्न देशों के सभी लीडर्स एक्सट्रीमी कॉन्टिजनीसेस के लिए प्लान्स बनाते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति के पास व्हाइट हाउस और वर्जीनिया में माउंट वेदर के नीचे एक इमरजेंसी बंकर है, लेकिन यूएस फैसिलिटीज के विपरीत ब्लैक सी कॉम्प्लेक्स प्राइवेटली फंडेड था और प्राइवेटली ऑन्ड में बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य किसी पॉलिटिकल सिस्टम की निरंतरता को सुनिश्चित करना नहीं जितना कि एक व्यक्ति के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल नए वोकेशन होम के नीचे एक टनल कॉम्प्लेक्स के पुतिन का इन्वेस्टमेंट, जिसे उन वर्षों के दौरान बनाया गया था जब वह अभी भी सार्वजनिक रूप से यूरोप में रशियन इंटीग्रेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। यह इस बात का सबूत है कि रशियन लीडर कितने समय से खतरों के लिए तैयारी कर रहे थे और जाल का निर्माण कर रहे थे। शरण लेने या भागने की जरूरत है, किमकिज ने कहा, हमें इसे पश्चिमी के साथ लंबे टकराव के हिस्से के रूप में देखना होगा जिसने पुतिन के जीवन के आखिरी 13 या 14 वर्षों को मार्क किया है। दोस्तों गेब्रेजेवस्की ने इनसाइडर को बताया कि ये इमेजेस ब्लूप्रिंट नहीं है, वे आर्किटेक्चरल ड्राइविंग के क्लोज हैं। वे आपको इन स्पेस का इंटेंट, फ्लो और आधार दिखाते हैं। गेब्रेजेवस्की ने कहा कि दोनों टनल्स अप्रोक्सीमेटली 40 और 60 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर वाइड है, जिससे लगभग 6,500 स्क्वायर फीट संभावित रहने की जगह बनती है जो ब्लास्ट प्रूफ होने के संकेत देती है। परमाणु विस्फोट या बंकर बस्टर बम के प्रभाव को झेलने की उनकी क्षमता दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी जो डायग्राम्स में नहीं है। टनल्स के 15 इंच मोटे कंक्रीट के गोले को कैसे मजबूत किया जाता है और आसपास के एरिया को फिल करने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है, वे कई फीचर्स दिखाते हैं जो बताती है कि पुतिन ने सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर का निर्माण किया था। स्पेसिफिकली इनमें से हर 46 केवल रैंक है, जिनमें से हर एक लगभग 1 फुट चौड़ा है जो निचली सुरंग की दीवार में लगे हुए हैं। ए रैंक नाली केबलों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो कमांड पोस्ट के लिए नीडेड इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिक केबल ले जा सकते हैं। दोस्तों इन्हें डिगर्स नाम की एक कम्युनिटी द्वारा खोदकर निकाला गया था। रशियन सिटीजन्स ने जो फॉरबिडन साइट्स पर जाते हैं और उनका डॉक्यूमेंट्स करते हैं। दोस्तों साल 2021 में जब श्री नेवलनी ने मिस्टर पुतिन के काला सागर परिसर पर खुलासा प्रकाशित किया तो हजारों रशियन सड़कों पर उतर आए थे। रशियन राष्ट्रपति ने महल का मालिक होने से इनकार किया है। श्री नेवलनी की इन्वेस्टिगेशन के तुरंत बाद बिलीनियर और मिस्टर पुतिन के चाइल्डहुड फ्रेंड अरकडी रोटेनबर्ग यह क्लेम करने के लिए सामने आए कि ये सारा संपत्ति उनका है
और राष्ट्रपति का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि परिसर 24 आवर सिक्योरिटी के अंदर में क्यों है और इसके चारों ओर नो फ्लाई जोन क्यों है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन पॉलिसी पर काम करने वाले फॉर्मर स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफिशियल माइकल सी किमिज ने कहा, रशिया के पूरी तरह से लेजिमिनेट लीडर नहीं होने को लेकर पुतिन को बहुत चिंता है। तो यह जानते हुए कि उनकी लेजिमिटेसी पूरी तरह से इलेक्शन से सिक्योर नहीं है, वह अच्छी तरह से संरक्षित पर्सनल रेसिडेंस के एक परिसर के माध्यम से अपनी पर्सनल सेफ्टी को अधिकतम करने की कोशिश करने जा रहे हैं। उन टनल्स के निकास महल परिसर को ठीक नीचे समुद्र तट से ऊपर उठी नंगी चट्टान पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, मेट्रो स्टाइल की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए डायग्राम्स के अकॉर्डिंग बंकरों की अपनी वेंटिलेशन सिस्टम के साथ साथ फ्रेश वाटर सप्लाई भी है। वे एस्केमेटिक्स तरीके से यह भी दिखाते हैं कि एक एलिवेटर सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स को दो टनल से जोड़ता है जिसमें निचला हिस्सा समुद्र तट की ओर जाता है। दोस्तों, टेलीग्राम ने दावा किया कि मिस्टर पुतिन ने रिवॉल्यूशन और वॉर की स्थिति में जीवित रहने के लिए टनल्स और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया जो सी लेवल से अबाउट 50 मीटर नीचे है। दोस्तों, निचली टनल्स के माध्यम से चलने वाली नली के सिर वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह टनल्स की अपनी इंटरनेट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक है। वे ट्रे कंस्ट्रक्शन लाइटनिंग बिजली के लिए हो सकती है, कुछ भी जो केवल या ट्यूब के माध्यम से जाता है। गेब्री जिवेस्की ने कहा कि यह टनल्स के लिए बहुत बड़ी मात्रा में केवल है, इसीलिए यह महल परिसर के किसी प्रकार का बैकअप सिस्टम हो सकता है, केवल भागने के मार्ग के रूप में काम करने के बजाय। इन सुरंगों का एक पर्पस पूरे महल परिसर के लिए एक प्रकार की इमरजेंसी स्पाइनल की हड्डी जैसा प्रतीत होता है। न तो मेट्रो स्टाइल के एक्वायर्ड करने वाली मॉस्को बेस्ड कंपनी और न ही क्रेमलिन के चीफ स्पोक पर्सन दमित्री पेस्कोव ने कमेंट को रिक्वेस्ट का जवाब दिया। मेट्रो स्टाइल एक कंपनी की फाउंडेड 90 के डेकेड्स में 3 लोगों द्वारा की गई थी जिन्होंने तब से कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज की फंड की। इसे रशियन गवर्नमेंट द्वारा मॉस्को के नीचे मेट्रो सुरंग खोदने के लिए भी काम पर रखा गया था। जब कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डायग्राम पोस्ट किए तो उन्होंने यह स्पेसिफाई नहीं किया कि ब्लैक सी टनल्स पुतिन के लिए बनाई गई थी, इसके बजाय उन्होंने क्रास्नोडार क्षेत्र के। दोस्तों, गेलेंडिक महल परिसर के सबसे क्लोज का शहर है जो सोची की रिपोर्ट सिटी से 5 घंटे की ड्राइव पर है। दोस्तों, मॉस्को से लगभग 1000 माइल्स दूर 45 टनल्स का एग्जिस्टेंस दर्शाता है कि पुतिन का फोकस सिर्फ एक रिसोर्ट शहर के पास उस जीवन के लिए एक टेस्ट को बढ़ाने पर केंद्रित नहीं है, उसे जिंदा रहने की भी चिंता है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफिशियल के फॉर्मर स्टेट जो अब कैथोलिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है किमिमेज ने कहा कि सुरंगों की रिमोट लोकेशन के पीछे सर्वाइवलिज्म एक संभावित ड्राइवर है। किमिमेज ने कहा कि रशियन हिस्ट्री में 2 बार बड़े बदलाव हुए हैं, साल 1917 और 1991। कैपिटल सिटी की पोजीशन और वहां लीडर पोजीशन में एक बड़ा मुद्दा रही है। दोस्तों, पुतिन आवासों का एक नेटवर्क स्टैब्लिश करके उस कॉन्टिजेंसी का समाधान कर रहे हैं जो केंद्र के यथासंभव दूर है, इसीलिए ब्लैक सी कॉम्प्लेक्स के भीतर एक टनल सिस्टम बहुत मायने रखती है। यह इवेंचुअली सक्रिय खतरे के बिना भी वह चिंतित रहेंगे। दोस्तों, 2 टनल्स के जोड़ने वाले एलिवेटर सॉफ्ट के अंदरूनी हिस्से को दिखाने वाला एक कटवे डायग्राम 6 अलग अलग वेंटिलेशन सॉफ्ट को इंडिकेट करता है जो टनल्स में रहने वालों को ताजी या फिल्टर की गई हवा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, कई वेंटिलेशन सॉफ्ट और 2 सेपरेट टनल्स को केमिकल अटैक को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया होगा जिससे महल की क्लीन एयर की सप्लाई को पूरी तरह से बाधित करना कठिन हो जाएगा। एकाधिक केवल नाली समान पर्पस को पूरा कर सकती है। गेब्रिज वेस्की ने कहा, पहाड़ी पर 2 अलग अलग पोर्टल वेंटिलेशन के लिए एक सेकेंडरी और तृतीय बैकअप बनाते हैं। अगर किसी तरह का अटैक होता है तो पुतिन के पास हवा लेने के लिए 2 सोर्सेज हैं, एक ऊंचा और एक निचला। दोस्तों, डायग्राम टनल के कॉम्प्लेक्स के पूर्व के स्ट्रक्चर का कोई डिटेल व्यू प्रस्तुत नहीं करते हैं। यह देखते हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह टनल को एक सड़क से जोड़ता है, यह संभव है कि पूर्वी स्ट्रक्चर को एक रूट के रूप में डिजाइन किया गया जिसके माध्यम से आपूर्ति को छिपे हुए लिफ्ट के माध्यम से और महल परिसर में लोड किया जा सकता है। दोस्तों, गेब्रिज वेस्की ने सुरंग परिसर के बगल में सड़क के अंत के पास एक एरिया का हाईलाइटेड किया जिसका यूज सप्लाईज के शिपमेंट को लोड करने और उतारने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, बेबैक मशीन इंटरनेट संग्रह को भावी पीढ़ी के लिए सहेजे गए डायग्राम का एक लिंक मॉस्को स्ट्रक्चर के बीच वर्षों तक प्रसारित हुआ जिसे डिगर्स के रूप में जाना जाता है। अर्बन एक्सप्लोरर्स जो फॉरबिडन साइटों पर जाते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, नवलनी द्वारा डॉक्यूमेंटेड किए गए महल की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में असेंबल्ड होने से पहले रशियन अपोजिशन पॉलिटिशियन जो अब रशियन पेनल कॉलोनी में 9 साल की सजा काट रहा है, इन डायग्राम्स को सबसे पहले एक गुमनाम खुदाईकर्ता ने इनसाइडर के ध्यान में लाया था जिसने कहा था कि वह सेक्ट जी नामक ग्रुप को एफिलिएटेड था। ग्रुप के एक स्पोक पर्सन ने एक ईमेल एक्सचेंज में कहा कि वे अपने स्कर शेयरिंग कर रहे हैं क्योंकि हम पुतिन के बेवकूफ चेहरे से थक गए हैं
और उनके पागल भूमिगत परिवहन को दिखाना चाहते हैं। एक फॉलो अप वीडियो कॉल में उन्होंने कहा कि वह शासन के अंत को करीब लाने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफिशियल के फॉर्मर स्टेट किमिमेज ने कहा कि एक डेकेड से भी पहले पुतिन की केयरफुल प्रिपरेशन की गई तैयारी से इंडिकेट मिलता है कि उनका दिमाग कितने समय से पश्चिम के साथ इसेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी पर फोकस है। यूक्रेन में वॉर के साथ किमिमेज ने कहा, वहाँ स्पीच मेकिंग है, प्रोपेगेंडा है, एग्जरेशन है। यह प्रोमेटिव पहलू है जो रशियन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में खेलता है, लेकिन यह भी डेडली रियल है। पुतिन खुद को टकराव में शामिल मानते हैं। पश्चिम के साथ न्यूक्लियर डायमेंशन इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वह जानता है कि वह एक वोल्केनो के टॉप पर खड़ा है। वह इतना साइकोपैथिक नहीं लगता कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सके। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, लेकिन वह उस किनारे पर खड़ा है बहुत लंबे समय तक। ये सुरंग, ये बंकर उसी का एक हिस्सा है।